रामपुर में बिजनेस पार्टनर बनाने के नाम पर ठगी की गई है। ज्वेलरी के कारोबार में पार्टनर बनाने के नाम पर 45,000 रुपए ठगे हैं। पीड़ित की तहरीर पर दर्ज किया गया मामला। शाहजहांपुर के युवक इमरान हसन खां के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। थाना केमरी में धोखाधड़ी और साथी धमकाने का मामला दर्ज किया गया। तो बिजनेस पार्टनर बनाने के नाम पर 45,000 रुपए की लूट की गई है। हालांकि पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए FIR भी दर्ज कर दी है, साथ ही तलाश भी शुरू कर दी है। तो रामपुर से यह मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमित शाह और साथी राजनाथ सिंह भी रैली करेंगे। 6 अप्रैल को सहारनपुर गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। 6 अप्रैल को गाजियाबाद में रोड शो करेंगे पीएम। 9 अप्रैल को पीलीभीत में रैली कर सकते हैं। 16 अप्रैल को मुरादाबाद में प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद में 3 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में अमित शाह की रैली होनी है और साथ ही 3 अप्रैल को मुरादाबाद में अमित शाह रहेंगे। उसके बाद में 3 अप्रैल को गाजियाबाद में राजनाथ सिंह की जनसभा है और यूपी में पहले चरण का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल को होना है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लगातार इससे पहले भी कई सारे रोड शो में बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। कल मेरठ पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आगे भी कई जगह पर रैलियां और रोड शो होंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और साथ ही राजनाथ सिंह की जनसभा और रैलियों के कार्यक्रम रहेंगे। तो कब कब कौन कौन से नेता की रैली और रोड शो हो रहा है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 19 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में मतदान होना है। 6 अप्रैल को सहारनपुर में रैली होगी पीएम की। 3 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में अमित शाह मौजूद रहेंगे और मुरादाबाद में भी अमित शाह पहुंचेंगे जनसभा करने के लिए। गाजियाबाद में भी चुनाव होना है तो उसको लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो 7 चरणों में इलेक्शन होने हैं और सातों के सातों फेज में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी में सीटें बहुत ज्यादा हैं इसलिए ज्यादातर फोकस बीजेपी के नेताओं का उत्तर प्रदेश में है। मिशन 80 की तैयारी में जुटी यूपी बीजेपी ने नया प्रयोग किया है और बीजेपी के बूथ बैठकों में बड़े नेता बूथ अध्यक्षों का पुष्प और मालाओं से स्वागत करेंगे। इसकी शुरुआत महामंत्री संगठन धर्मपाल ने कर दी है। बूथ अध्यक्षों को हर बूथ पर 370 वोट जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। बूथ अध्यक्षों का मनोबल बढ़ाने के लिए बीजेपी ने रणनीति भी तैयार कर ली है और बीजेपी बूथ जीता तो चुनाव जीता अभियान के जरिए 400 पार के सपने को साकार करने में जुटी हुई है।